नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गोड़ एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 27 मार्च 2024 बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने दावा किया है कि यदि कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनावों में सत्ता में आती है तो रिक्त सरकारी नौकरी के 30 लाख पदों को भरा जाएगा और परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए सख्त कानून बनेगा। श्रीमती वाड्रा ने बुधवार को सोशल मीडिया पर जारी एक संदेश में कहा कि कांग्रेस सरकार रोजगार क्रांति के जरिए देश के युवाओं का हाथ मजबूत करेगी और युवा ही देश का भविष्य है, वे मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि देश के कुल श्रम बल में जितने बेरोजगार हैं उनमें 83% युवा है। कुल बेरोजगारों में शिक्षित युवाओं की हिस्सेदारी वर्ष 2000 में 35.2% थी, जो वर्ष 2022 में 65.7% यानी कि लगभग दोगुनी हो गई है। राजस्थान में अब गर्मी तेज हो गई है। मंगलवार को पश्चिमी राजस्थान के जिलों में पारा 40 डिग्री से ऊपर चला गया और उधर उत्तरी राजस्थान में मंगलवार देर शाम मौसम में आए बदलाव के बाद बीकानेर एवं श्रीगंगानगर जिले के बॉर्डर एरिया और हनुमानगढ़ में गरज चमक के साथ बरसात हुई, जिससे यहां लोगों को गर्मी से राहत मिली। बादल और बारिश का ये दौर सुबह भी जारी रहा। मौसम केंद्र जयपुर के विशेषज्ञों का कहना है कि राज्य में अगले 2 दिन में इसी तरह का बदलाव देखने को मिलेगा। 28 और 29 मार्च को बीकानेर संभाग के जिलों में बादल छाने के साथ बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने दावा किया है कि श्री केजरीवाल 28 मार्च को पूरे देश को बताएंगे कि इस कथित शराब घोटाले का पैसा कहां गया। सुनीता केजरीवाल ने बुधवार को यहां कहा कि कल शाम उन्होंने केजरीवाल से जेल में मुलाकात की। 2 दिन पहले उन्होंने दिल्ली के जल मंत्री आशतीषी को भी संदेश भेजा था कि पानी और सीवर की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। इस बात पर केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री पर केस कर दिया। क्या वे दिल्ली को तबाह करना चाहते हैं? इस बात से श्री अरविंद केजरीवाल को बेहद ही पीड़ा हुई है। लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन जमा कराने की अंतिम तिथि आज है। भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के समर्थन में सीएम भजनलाल शर्मा भी आज अलवर के कंपनी बाग में जनसभा के लिए आए हैं। सीएम की मौजूदगी में कई नेताओं ने भाजपा की सदस्यता को ग्रहण किया है और यह भी कहा कि मैं जानता हूं कि मुझे जिस अलवर से प्रत्याशी बनाया गया है यह ऋषि मुनियों की धरती है। पीएम ने जो मौका दिया है मैं 24 घंटे उनके बीच में रहकर काम करूंगा। मोदी की गारंटी के साथ आपके लिए भी उपस्थित हूं और यहां पानी और रोजगार की समस्या को हमेशा दूर करूंगा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में जिन जिन क्षेत्रों में 19 अप्रैल को मतदान होना है वहां आज नामांकन की आखिरी तिथि है। चुनाव को लेकर प्रशासन को विशेष अलर्ट रखा गया है, लेकिन इसके बाद भी अपराधी अपनी वारदातों से नहीं चूक रहे हैं। बुधवार को एक ऐसा ही मामला राजस्थान के 12 जिले से सामने आया, जहां 2 अज्ञात बदमाशों ने दिन दहाड़े बैंक में घुसकर लाखों रुपए लूट लिए। जानकारी के अनुसार बुधवार को 12 में दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर बैंक में डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया। यह घटना 12 जिले के बड़गांव में दिन दहाड़े हुई, जहां बदमाशों ने यूको बैंक में लाखों रुपए लूट लिए और लूट के बाद बदमाश पिस्तौल से हवाई फायर करते हुए भाग निकले। पुलिस बदमाशों की धरपकड़ में जुटी हुई है। राजस्थान में आज पहले चरण के चुनाव के नामांकन का आखिरी दिन है। आज जयपुर से कांग्रेस कैंडिडेट प्रताप सिंह खाचरियावास, बीजेपी की मंजू शर्मा, जयपुर ग्रामीण से बीजेपी प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह और कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा ने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। जयपुर से कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप सिंह खाचरियावास, पूर्व सीएम अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, विधायक रफीक खान, अमीन कागजी, जयपुर जिला अध्यक्ष आरआर तिवाड़ी, सांगानेर सीट से प्रत्याशी पुष्पेंद्र भारद्वाज सहित 11 लोगों के 7 नामांकन दाखिल करने पहुंचे। राजस्थान सरकार की ओर से प्रदेश में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में एक्सपोर्ट जोन्स बनाए जाएंगे। इसमें एक जिला एक उत्पाद को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार ने एक जिला एक उत्पाद नीति का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। कमिश्नर इंडस्ट्रीज एंड कमर्शियल डिपार्टमेंट की ओर से तैयार मसौदे में उत्तर प्रदेश, गोवा, गुजरात समेत अन्य राज्यों में ओडीपीसी नीति का अध्ययन किया जाएगा और नीति के बारे में विशेषज्ञों और उद्यमियों से सुझाव किए जा रहे हैं। इस नीति के तहत उद्योग लगाने पर कई तरह की रियायतें प्रदान की जाएगी और इससे प्रदेश में निर्यात आधारित नए उद्योग लगेंगे और रोजगार सृजन भी होगा।
पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम इसरदा बांध के पानी से जयपुर के रियासतकालीन रामगढ़ बांध को भरने की तैयारियां कर रहा है। रामगढ़ बांध इसरदा बांध के साफ पानी से भरे, इसके लिए पाइपलाइन का अलाइनमेंट छोटा सा बदलाव किया गया है। पहले इसरदा बांध का पानी का नोता बांध लगाकर और यहां से रामगढ़ को भरने की योजना बनाई गई थी, लेकिन कानोता बांध में गंदे पानी की आवक के कारण अब पानी सीधे रामगढ़ बांध लेकर जाएंगे और इसके लिए बांध से लगभग 30 किलोमीटर पहले 1 मिलियन क्यूबिक मीटर क्षमता का जलाशय बनाया जाएगा और यहां से पानी पाइपलाइन के माध्यम से सीधे रामगढ़ बांध तक जाएगा। भारतीय नववर्ष के उपलक्ष्य में 9 अप्रैल को उदयपुर शहर में शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसके बाद धर्मसभा का आयोजन होगा। धर्मसभा में अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा संबोधित करेंगे और साथ ही महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी महाराज भी मौजूद रहेंगे। भारतीय नववर्ष समाजोत्सव समिति के संयोजक रविकांत त्रिपाठी ने बताया कि 9 अप्रैल को दोपहर 3 बजे से फतेह स्कूल के कलश यात्रा निकाली जाएगी और इसी के साथ ही टाउन हॉल से शोभा यात्रा शुरू होगी। कलश यात्रा में महिलाएं डांडिया नृत्य करते हुए और मंगल गीत गाते हुए चलेंगी और वहीं हाथी और घोड़ों के साथ शोभा यात्रा में विभिन्न तरह की झांकियों का भी प्रदर्शन होगा, जिसमें भगवान राम, राम मंदिर, भारत माता सहित अन्य धार्मिक झांकियां भी लगेगी और साथ ही विभिन्न चौराहों पर अखाड़े का प्रदर्शन और गवरी नृत्य का आयोजन भी किया जाएगा। भरतपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प हो गई। दरअसल लोकसभा चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन बुधवार को कांग्रेस और भाजपा की ओर से रैली निकाली जा रही थी। आगे भाजपा की रैली निकल रही थी और इसी दौरान पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कुम्हेर गेट पर रोक लिया। इससे कांग्रेस कार्यकर्ता भड़क गए और पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाते हुए प्रदर्शन करने लगे। इधर कुम्हेर गेट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में सीआरपीएफ के जवानों को मौके पर तैनात किया गया। सेना के शीर्ष कमांडर्स का सम्मेलन इस बार हाइब्रिड मोड में आयोजित किया जाएगा, जिसमें मौजूदा स्थिति तथा भविष्य की रणनीति पर विस्तार से विचार विमर्श किया जाएगा। सम्मेलन के पहले दिन कमांडर वर्चुअल माध्यम से इसमें शामिल होंगे, जबकि 1 और 2 अप्रैल को कमांडर इसमें भौतिक रूप से शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और शीर्ष कमांडर्स के साथ बातचीत करेंगे, उन्हें संबोधित करेंगे। यह सम्मेलन सेना के शीर्ष नेतृत्व के लिए वैचारिक मुद्दों पर विचार मंथन, समीक्षा और सुरक्षा की समग्र स्थिति का आकलन करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है। सम्मेलन भविष्य का रुख तय करने की दिशा में महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों को सुगम बनाने वाली प्रमुख प्राथमिकताओं को भी निर्धारित करेगा। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अजमेर में जिला निर्वाचन विभाग की ओर से विभिन्न स्वीप गतिविधियां की जा रही है और इसी कड़ी में बुधवार को सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर 1 के द्वारा डीआईजी संजय यादव के नेतृत्व में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए 5 किलोमीटर की रैली निकाली गई। इसमें सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर से लगभग 200 जवान, महिला और अन्य अधीनस्थ अधिकारी भी शामिल हुए। सीआरपीएफ जीसी 1 ने कुंदन नगर से शुरू हुई इस रैली को मुख्य मार्गों से होते हुए बंजरगढ़ चौराहे तक निकाला और इसके बाद बंजरगढ़ चौराहे पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर गजेंद्र सिंह राठौड़ के द्वारा सभी को निर्भीक और निष्पक्ष मतदान की शपथ दिलाई गई। वोटर हेल्पलाइन ऐप की भी इसमें जानकारियां दी गई। लोकसभा चुनावों की घोषणा के साथ ही कई नेता ऐसे भी हैं जो निर्दलीय लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर रहे हैं और उन्हीं में से एक है राजस्थान में निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में भाटी ने निर्दलीय विधायक का चुनाव भी जीता है। ऐसे में अब उन्होंने बाड़मेर जैसलमेर से लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भाटी ने सर्व समाज की बैठक में चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। भाटी 4 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगे। पहले चर्चा थी कि भाटी को बीजेपी ने मना लिया है, लेकिन अब साफ हो गया है कि भाटी नामांकन दाखिल करेंगे। प्रतापगढ़ जिला अस्पताल में बड़ी संख्या में विभिन्न रोगों के मरीजों की लंबी कतारें लग रही है। सर्दी, जुकाम, खांसी, उल्टी के साथ पेट दर्द और बुखार के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा स्किन रोगियों की संख्या भी बढ़ रही है। प्रतापगढ़ जिला अस्पताल में ओपीडी सामान्य दिनों की तुलना में बढ़ गई है और इनमें सबसे ज्यादा मरीज बुखार के पीड़ित थे। डॉक्टर्स के अनुसार बदलते मौसम में बच्चों में उल्टी, दस्त, सर्दी, जुकाम और बुखार के मरीज बढ़े हैं। इस समय मौसम में बदलाव से मरीजों की संख्या भी बढ़ी है और इन मरीजों में बच्चों की संख्या अधिक देखने को मिली है। ऐसे में मौसम बदलाव के दौरान खानपान व रहन सहन पर ध्यान दिया जाना अति आवश्यक है। बुखार पीड़ितों में मलेरिया के लक्षण भी मिल रहे हैं।
सामान्य दिनों में यहां 800 से 900 की ओपीडी रहती है और वहीं इन दिनों में 1200 की ओपीडी है और आईपीडी 150 से 180 है। उदयपुर एयरपोर्ट का समय शेड्यूल जारी हो गया है। इसमें 1 अप्रैल से बेंगलुरु के लिए विस्तारा कंपनी की नई उड़ान भी शुरू होगी और इसके अलावा कोई नई फ्लाइट नहीं मिली है। पुरानी उड़ानों का भी कोई विस्तार नहीं किया गया है। उदयपुर के डबोक स्थित महाराणा प्रताप हवाई अड्डे पर 31 मार्च से लागू किए जा रहे समर शेड्यूल 26 अक्टूबर 2024 तक लागू रहेंगे और नए शेड्यूल के तहत अब उदयपुर एयरपोर्ट से कुल 8 शहरों के लिए 21 फ्लाइट्स होंगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।